सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगावेड़ी का गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार और समाज के लोग पार्थिव देह को लेकर राजपूत सभा भवन पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धांजलि यात्रा यहां से रवाना की गई, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। यात्रा भवानी निकेतन, चोमू, रिंगस, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, चूरू, तारानगर, सहावा, भादरा होती हुई निवास स्थल गोगामेड़ी यानी कि हनुमानगढ़ में पहुंचेगी, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोगामेड़ी हत्याकांड में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। जांच एएनआई को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए थे। मामले में 2 FIR दर्ज कराई गई थी। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। साथ ही आरोप लगाया कि पति ने CM और DGP से 3 बार पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन नहीं दी गई। इधर श्यामनगर SHO मनीष गुप्ता, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी FIR स्कूटी सवार ने दर्ज कराई है। मांगों पर सहमति बनने के बाद देर रात को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव को मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। गुरुवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया। मांगों पर सहमति बनने के बाद देर रात को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। गुरुवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले बुधवार को गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में करनी सेना ने राजस्थान बंद बुलाया था, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिला था। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ भी की थी। जयपुर में गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर और मानसरोवर में तोड़फोड़ की गई थी। कई चौराहों पर टायर जलाए गए थे। कई जगहों पर ट्रेन रोक दी गई। हत्याकांड के बाद बनाई गई संघर्ष समिति की 8 घंटे में 3 बार प्रशासन पुलिस से वार्ता भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। पहली वार्ता बुधवार को दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई थी। बैठक में राजपूत समाज के पदाधिकारी और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ व एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रीय सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। पहली वार्ता में पदाधिकारियों ने करीब 2 दर्जन मांगे रखी थी। उसके बाद कमिश्नर में सचिवालय स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की और दूसरी वार्ता बुलाई गई, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने पर विफल रही। उसके बाद दोबारा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद देर शाम को तीसरी वार्ता बुलाई गई, जिसमें जांच NIA को भेजने सहित अन्य 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। कुछ देर बाद ही गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने मांगे मानने से इनकार कर दिया था। वे बोली, शूटरों का एनकाउंटर नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। करीब 1 घंटे तक समझाइश की और कुछ अन्य पदाधिकारियों से बातचीत करवाई तो मामला शांत हुआ और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुई। मामले को लेकर DGP उमेश मिश्रा ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश विश्नोई के नेतृत्व में SIT गठित कर दी गई। टीम में अधिकतर अफसर आनंदपाल एनकाउंटर वाले हैं। हत्यारों पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। गोविंद स्थित नेशनल हाईवे पर जय भवानी मार्केट में सर्व समाज के लोगों ने पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गोविंदगढ़ स्थित नेशनल हाईवे पर जय भवानी मार्केट में सर्व समाज के लोगों ने पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मंगलवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले थे। गोगामेड़ी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। गोगामेड़ी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाशों की फायरिंग में उनको गोगामेड़ी के घर ले जाने वाले युवक नवीन शेखावत की भी मौत हो गई थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्या मामले की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।